वेलकम टू हेमिले डेजर्ट्स एंड मोर। मैं ललिता मनोज। आज हम केले के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप बेसन, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून अजवाइन। इन सारी सामग्री को मिलाकर हम इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। सारी सामग्री को मिक्स कर हम इसका घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमारा घोल बन के रेडी है। इस तरह से हमें घोल बनाना है। केले के कोफ्ते बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, 2 कच्चे केले लिए हैं जिसे मैंने उबाल कर छिलका निकाल लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सौंफ जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 टेबल स्पून काजू टुकड़ा, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़े से फ्रोजन मटर लिए है 1/4 कप, 1/4 कप हरा धनिया और 1/2 नींबू लिया है। चलिए इसे बनाते हैं। गैस ऑन करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें काजू टुकड़ा, हरी मिर्च दरदरी कुटी हुई डाला, सौंफ, और केला। अब हम इसमें मटर, नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, इन सबको डालकर अच्छे से मिलाएंगे। इसमें 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। हरा धनिया और 1/2 नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। हमारा मिश्रण बन गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके इसकी गोलियां बनाएंगे। हमारा मिश्रण ठंडा हो गया। अब हम इसके छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। हमने सारी गोले बना दिए। चलिए अब हम इसे बेसन के घोल में डालकर इसे गरम तेल में डीप फ्राई करते हैं। हमारे कोफ्ते हल्के गोल्डन कलर के हो गए। चलिए इसे निकाल लेते हैं। कच्चे केले के कोफ्ते बन के रेडी है। हमने इसे हरी चटनी, इमली की चटनी और हरी मिर्च के साथ में सर्व किया है।